नंबर की जगह पे है, इसलिए ए का वैल्यू ना निकल करके एक्स का निकलेगा, इसलिए बताया जा रहा है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व, लिखेंगे अब उसके बाद क्या है हमारा पी एक्स का वैल्यू ए एक्स, ए एक्स बराबर जीरो कर देंगे। हमें वैल्यू किसका निकालना है, ए का नहीं एक्स का, तो एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई वो नंबर नीचे आ जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो, ऊपर जीरो नीचे हीरो कोई भी नंबर या लेटर तो जीरो हो जाएगा। तो आ गया दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेवन है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे बताया गया है सी नॉट इक्वल टू जीरो। देखिएगा यहाँ पे फाइव एक्स रहता तो कहते कि हाँ फाइव एक्स की वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे कोई नंबर की जगह पे सी है इसलिए सी का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो चलिए अब करना क्या है, सॉल्व लिखेंगे दोस्तों, अब अपने को पी एक्स का वैल्यू लिख लेना है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो सी एक्स अपने को करना क्या है, सी एक्स इक्वल टू ए प्लस है तो राइट में जाएगा तो माइनस जीरो की कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स इक्वल टू माइनस डी और अपन कितना आ गया दोस्तों सी। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे का पूरे एक्सरसाइज खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।